हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ प्रमुख दिवस के बारे में, वो भी की थीम के साथ। इससे पहले बहुत बार ऐसा है, दो तीन वीडियोस हमने दिवस पर बनाया, बट ये पहली बार होगा कि मैं यहाँ पे आपके पास थीम के साथ वीडियो लेकर आई हूँ। बिकॉज बहुत सारे दोस्त के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि उन्हें थीम के साथ वीडियो करवाओ, और मुझे भी ये ज़रूरी लगा बिकॉज ये आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे। तो लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप इस वीडियो में नए हो, इस चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि आपको इसी तरीके के डेली वीडियोस मिलते रहे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहूँगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिकॉज इसमें सारे दिवस और थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्विक परिवार दिवस के बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये सारी चीज़ कोशिश करूँगी कि आपको इसी टाइम याद करवा दूं, कुछ ट्रिक्स इसमें बताऊं जिससे कि आपको ये याद हो जाए। तो वैश्विक परिवार दिवस जो है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका इस बार का थीम है 1 डे इन पीस। अब बात आती है कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले तो कि आप जैसे ही ग्लोबल फैमिली डे देखो, वैश्विक परिवार दिवस देखो, आपको इस तरीके के फिगर माइंड में आने चाहिए। इसे अब याद करने की क्या ट्रिक है कि आप जानते हो कि होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस डे, ये सारे फेस्टिवल जो आते हैं वो सारे रिलीजन्स के लोग नहीं बनाते, बट 1 जनवरी जिसे कि हम हैप्पी न्यू ईयर के रूप में जानते हैं, उसे पूरी दुनिया मनाती है, और कोई भी रिलीजन के लोग इसे अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे कि एक परिवार में मिल के सब लोग सारे चीज करते हैं, उसी तरीके से पूरी दुनिया में मिल के सब मनाते हैं न्यू ईयर। तो आप इसे याद रख सकते हो, न्यू ईयर के दिन विश्व परिवार दिवस सब लोग मिल के सारे चीज़ करते हैं। उसी तरीके से इसका थीम भी है 1 डे इन पीस, एक दिन ऐसा हो जिसमें शांति हो। नेक्स्ट है इसी तरीके से हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि यह क्यों मनाया जाता है, बिकॉज इस दिन जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो उसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के साथ मनाया जा रहा है। और इसका जो इस बार का थीम था वो आपका क्या था, तो रोल ऑफ इंडियन डिस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, कह रहा नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, यह इस बार की इसकी थीम थी। और यह जो है इस बार का आपका 15वां प्रवासी भारतीय दिवस था, और यह जो 21 से 23 जनवरी 2019 तक को मनाया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो इसे याद रखना तो सबसे ज़्यादा इजी इसलिए हमारे लिए बिकॉज जिस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो इसीलिए अब जो दूसरे देश में प्रवासी रह रहे हैं उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है, नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। नेक्स्ट है इसी तरीके से हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका इस बार का थीम है चलो दुनिया में परिवर्तन लाओ। तो आप इसे याद रख सकते हो। सबसे पहले बात यह है कि राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया क्यों जाता है। दो तरीके का युवा दिवस होता है, एक तो राष्ट्रीय यह 12 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं बिकॉज हम इसको यहाँ पर आपको एक सीरीज से पर मंथ लेकर जा रहे हैं, तो पहले हम जनवरी की बात कर रहे हैं। तो यह जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पे मनाया जाता है इस चीज़ को। और इसे हम याद कैसे रख सकते हैं इसकी थीम को कि चलो दुनिया में परिवर्तन लाओ, बिकॉज जो भी परिवर्तन लाएंगे वो यंगस्टर्स ही लाते हैं, तो यंगस्टर यानी यूथ जो है वही परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट है हमारा थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका इस बार का थीम है नेशन फर्स्ट। पहले जो है हमारा देश है नेशन फर्स्ट। अब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि थल सेना के जो अभी अध्यक्ष है वह क्यों है, बिकॉज हमने ये आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है। तो अगर आप हमारे डेली के वीडियो देखते होंगे तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका इस बार का थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ बेटर टुमारो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंग्लिश जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो, मतलब सुनहरे भविष्य के लिए, सुनहरे कल के लिए लड़कियों की भविष्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। नेक्स्ट है हमारा इसी तरीके से गणतंत्र दिवस।
तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और इसका इस बार का थीम था हैशटैग गांधी। और आप सभी को पता है कि भारत को आज़ाद कराने में गांधी जी की अहम भूमिका रही, तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। आपको यहाँ पे इस फिगर से भी याद रख सकते हो, ये वाली फिगर जो है आपको बिल्कुल गांधी जी पे आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट है इसी तरीके से राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसका थीम है कोई मतदाता पीछे ना छूटे, नो वन वोटर शुड लीव बिहाइंड। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी इसकी थीम याद रख सकते हो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, वोटर्स डे, इसमें जो है कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। मतलब आप सुबह सुबह उठो, सबसे पहले यहाँ पे हम इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हमें सबसे पहले जिस दिन वोटर का दिन होता है, उस दिन हमें सबसे पहले सुबह सुबह हम जाते हैं वोट देने के लिए वहाँ पे, ताकि भीड़ कम रहे, इस तरीके से। तो आप इसे याद रख सकते हो कि हम पीछे ना छूट जाए, तो कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। नेक्स्ट है इसी तरीके से विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, यह 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका इस बार का थीम है आई एम आई आई विल। नेक्स्ट है इसी तरीके से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, इसका थीम है, यह जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम है लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। और इसका आपको दिख सकता है इस तरीके से 28 फरवरी पे हमने यहाँ पे निकाला है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे, यह 8 मार्च को मनाया जाता है और इसका इस बार का थीम है समान सोचे, स्मार्ट बनाइए और परिवर्तन के लिए नया करें। मतलब थिंक इक्वल, समान सोचे, मतलब महिलाओं के लिए और पुरुषों में कोई अंतर ना करें, समान सोचे, स्मार्ट बनाए उन्हें और परिवर्तन के लिए उन्हें नया करें, यानी इनोवेट फॉर चेंज। थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। नेक्स्ट है हमारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यह 15 मार्च को मनाया जाता है और इसका जो इस बार का थीम रहा आपका, वह रहा विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद, ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। और यह जो है 15 मार्च 2019 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इस बार इसे मनाया गया। और जैसा कि हमने बोला इसका इस बार का थीम क्या रहा, तो विश्वसनीय स्मार्ट दिवस, यानी ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है और इसका इस बार का थीम है वन और शिक्षा, वनों से प्रेम करना सीखो। वन और शिक्षा, वनों से प्रेम करना सीखो, मतलब कि आप सीखो कि कैसे हम जो है फॉरेस्ट के साथ लव कर सकते हैं, यानी फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, लर्न टू लव फॉरेस्ट, बिकॉज जंगल की यहाँ पे कमी हो रही है। तो अगर जंगल की कमी हो गई, पेड़ पौधे कम हो गए, तो आपको आपकी पर्यावरण जो में बहुत ही ज़्यादा खराबी आएगी। तो फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, लर्न टू लिव फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा विश्व जल दिवस, यह 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है लिव नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे ना छूटे। थीम है आपका लिव नो वन बिहाइंड, यानी किसी को पीछे नहीं छोड़ना, कोई भी पीछे ना छूटे। नेक्स्ट है इसी तरीके से विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है सूर्य, पृथ्वी और मौसम। आप जानते होंगे विज्ञान और मौसम में जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है सूर्य, पृथ्वी और मौसम, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। नेक्स्ट है हमारा विश्व तपेदिक दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे, यह जो है 24 मार्च को मनाया जाता है और इसका इस बार का थीम रहा यह समय है। नेक्स्ट है हमारा विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका जो है इस बार का थीम रहा ग्रामीण परिदृश्य, बिकॉज जो भी हमारे धरोहर है, संस्कृति है, वो ग्रामों में बसती है, तो इसका थीम भी आपको रखा गया ग्रामीण परिदृश्य। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम है हमारी प्रजातियों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट आवर स्पेसिस। इसका थीम आपको क्या है पृथ्वी दिवस का, तो प्रोटेक्ट आवर स्पेसिस। तो आप इसे इंग्लिश में भी याद रख सकते हो और हिंदी में भी, हमारी प्रजातियों की रक्षा करें।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर्स डे, यह 1 मई को मनाया जाता है। और इसका जो इस बार का थीम रहा वह रहा कि सभी के लिए अस्थाई पेंशन, सामाजिक भागीदारों की भूमिका। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, यह जो है 8 मई को मनाया जाता है। और इसका जो है इस बार का जो थीम था हैशटैग लव था, यानी मोहब्बत। नेक्स्ट है इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यह जो है 12 मई को मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम है अ वॉइस टू लेड हेल्थ फॉर ऑल। फिर है आपका अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई को मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम है मधुमक्खियों को बचाओ, यानी सेव द बीज। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, यह 31 मई को मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम रहा तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य। बिकॉज अब सभी को पता है तंबाकू जो है डायरेक्टली फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो इसका यही रहा कि तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस, यह जो है 5 जून को मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम रहा बीट एयर पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण को हराया, वायु प्रदूषण को मार गिराया। तो यह आपका हो गया। नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस, ऊपर हमने देखा था क्या, तो ऊपर हमने देखा रेड क्रॉस दिवस, इस बार यह है आपका रक्तदाता दिवस, यानी ब्लड डोनर डे जो है। तो इसका इस बार का थीम रहा सभी के लिए सुरक्षित रक्त, सभी के लिए सुरक्षित रक्त रहेगा तभी तो सभी, सेफ ब्लड फॉर ऑल। इसका इंग्लिश आपको हो गया क्या, तो सेफ ब्लड फॉर ऑल। नेक्स्ट है इसी तरीके से आपका आखिरी है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, यह जो है 21 जून को मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम रहा क्लाइमेट एक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है आपका शुरुआती जनवरी से लेकर जून तक के 1 6 मंथ के लिए थे, आगे के 6 मंथ का वीडियो भी आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा दिवस से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो आगे के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।